वन प्लस के यूएस के लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि वन प्लस अपना लॉन्च करने वाला है वन प्लस 11, ठीक है ना, जो कि 2K डिस्प्ले के साथ में HDR सपोर्टेड, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले, मैं रोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं टेक बाबा, शुरू करते हैं। दोस्तों, वन प्लस ने अपना एक नया मोबाइल लॉन्च किया हुआ है, वन प्लस 11, ठीक है, जो कि अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, अभी चाइना में लॉन्च हुआ है, जो कि वहाँ का बेस वर्जन 12256 और 16512 के साथ में लॉन्च किया हुआ है। इंडिया पे रूमर्स के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जो कि इंडिया पे जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं फ़ोन के फीचर्स के बारे में। दोस्तों, बात करते हैं फ़ोन के कैमरे की, जो कि बैक पे 3 कैमरे दिए गए हैं, 50 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल। 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा OIS के साथ में, 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया गया, जो कि 2x ऑप्टिकल जूम प्लस 20x के साथ में दिया गया, और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। और दोस्तों, बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो वीडियो रिकॉर्डिंग 60 FPS प्लस 30 FPS होती है 4K रिकॉर्डिंग, और 8K रिकॉर्डिंग होती है 24 FPS। अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, इसमें फुल HD 30 FPS तक रिकॉर्डिंग की जा सकती है। बात करें दोस्तों इसके एंड्रॉयड की, एंड्रॉयड 13 के साथ में आउट ऑफ द बॉक्स आता है, और OS जो कि वन प्लस का जाना पहचाना कलर OS है, जो कि 13 के साथ में लॉन्च होता है। इसकी बैटरी कैपेसिटी दोस्तों 5000 mAh की बैटरी है, जो कि 100 वाट वूक चार्जिंग के साथ में आता है। यही समथिंग समथिंग जो कंपनी गारंटी करती है, 90 to 20 मिनट समथिंग फुल चार्ज, 1 to 100% चार्जिंग की गारंटी लेती है कंपनी। दोस्तों, 6.7 इंच की 2K सपोर्टेड LTP-03 वीडियो, जो कि HDR10 भी सपोर्टेड है। दोस्तों, अगर बात करें मोबाइल के चिपसेट की, तो दोस्तों ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ में आता है, जो कि जिसका अंतुतु स्कोर समथिंग समथिंग 1.3 मिलियन के नियरेस्ट पहुंचता है। दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।